आप ये नदी देखो, ये है पार्वती नदी। शिव जी का मंदिर यहाँ पे है, गुरुद्वारा साहिब यहाँ पर है, और आप देख सकते हो एक तरफ नदी में से ठंडा पानी आ रहा है इस तरफ से, और इधर मंदिर के पास पहुँचते ही ना ये पानी उबल रहा है, गर्मा गर्म पानी। इसी पानी में ना यहाँ पे लंगर प्रसाद बनाया जाता है। वो मंदिर है, ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पर ये प्रसाद बनता है। आप देख सकते हो उबलता हुआ पानी जो सीधा नदी से आ रहा है ना, ये मैजिकल है ना, ये अद्भुत। अभी आप ये देखो, इस तरीके से बर्तनों में ना चावल को डाल के, इसी पानी को डाल के ढक के यहाँ पे रखा जाता है। और खास बात यही कि अगर आप इसे 24 घंटे भी इस पानी में रखोगे ना, कभी भी चावल जलेंगे नहीं, ऐसा मुझे यहाँ के सेवादार बता रहे थे। तो अभी चाय बनाने के लिए यहाँ से पानी लेके जाया जा रहा है, और अभी हम लोग अंदर चलेंगे लंगर हॉल में। वहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से सब्जियाँ बनती है, दाल पकती है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, सबसे पहले आप दर्शन कीजिएगा, पत्थर टेकिएगा और ब्लेसिंग्स लीजिएगा, फिर आप लंगर प्रसाद चखिएगा। तो अब बारी है, दाल यहाँ पे पकाई जा रही है। आप देख सकते हो बड़े से पतीले में मसालों का तड़का लगा दिया गया है, दाल में पानी डाला गया जो कि उबला हुआ है, जो कि सीधा पार्वती नदी से। आप देख सकते हो ये बड़ा सा ड्रम, इस नल में से पानी आ रहा है। नल में ये आप देख सकते हो गर्म होने के चक्कर में ना यहाँ पे ये टेक्सचर बिगड़ चुका है, जिससे ये दाल पकाई जा रही है। ये देखिए ऐसे ना यहाँ पे हमेशा आप जब भी आओगे आपको लंगर प्रसाद चखने का मौका मिलेगा। कढ़ी चावल यहाँ पे हमेशा आपको मिलेंगे। मैं तो हमेशा जब भी आती हूँ ना तो कढ़ी चावल तो पक्का ही प्रसाद चख के जाती हूँ। आज यहाँ पे भिंडी भी बन रही है, आलू की सब्जी भी बन रही है, और बाहर का ये अद्भुत नज़ारा देख के ना आई थिंक मेरे को बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग हो रही है कि मेरे को ये कुछ देखने का मौका मिला, इससे बने हुए प्रसाद को चखने का मौका मिला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पावन दरबार की तरफ से सभी का स्वागत है। ये 7 मंजिला इमारत है गुरुद्वारा साहब, और तकरीबन 3-4 हजार के करीब संगत के यहाँ ठहरने का प्रबंध।